सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर बंदे पे। मैं हूँ आपका होस्ट शाबाज और आज का जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम कहीं ट्रैवल करने नहीं जाने वाले हैं, इस वीडियो में हम कहीं घूमने के लिए नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो है कुछ अलग चीज़ पे होने वाला है। अब अलग चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए अगर ये जो वीडियो है ये किस चीज़ पे होने वाला है वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। वो चीज़ें क्या है, अगर आपका ये साल में कोई नई स्कूटी वगैरह खरीदने का प्लान है, अगर आपका ये साल में अपने घर के लिए या अपने आप के लिए नया कुछ खरीदने का प्लान है, स्कूटी वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैवल के लिए आपको कहीं ज़्यादा एवरेज वाली गाड़ी चाहिए, ज़्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए, ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा किस तरीके की बातें कर रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। एक्चुअली मैं ये सारी बातें करने के पीछे मेरी वजह ये है कि हमारा जो ब्लॉगर बंदों का ग्रुप है वो हम चारों बंदों में से एक बंदे ने अभी अभी एक स्कूटी खरीदी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो स्कूटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा प्रीमियम है, क्या एवरेज देती है, क्या प्राइस है 2023 के हिसाब से, और आप किस किस तरीके से उसको खरीद सकते हैं। ये सारी के सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वो बंदा कौन है और वो स्कूटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जिस बंदे ने ये स्कूटी खरीदी है उस बंदे का नाम है संदीप। जी हाँ, हमारे ब्लॉगर बंदा जो है संदीप ने स्कूटी खरीदी हुई है। हम उसी से जानेंगे कि उसने कौन सी स्कूटी खरीदी है और क्यों खरीदी है, कितने में खरीदी है, इसके अलावा उसने क्या क्या ऑप्शंस रखे हुए थे, तो ये सारी चीजें जानेंगे। तो आइए फिर संदीप से हम मिलते हैं। हाय गाइज, हाँ मैंने स्कूटी खरीदी है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए दिखाते हैं कि कौन सी स्कूटी खरीदी है, आइए। संदीप ने TVS की जुपिटर 125 ली हुई है, जैसे कि आपने अभी अभी वीडियो में देखा। और सबसे पहले चलिए जानते हैं कि संदीप ने यही स्कूटी क्यों खरीदी। तो संदीप सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कि तूने ये स्कूटी अपनी जिंदगी की सबसे 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 पहली स्कूटी खरीदी है इस बंदे ने। थैंक यू। संदीप मैं जानना चाहता हूँ कि तूने यही स्कूटी क्यों खरीदी। गुड्डू, ये स्कूटी खरीदने का मेरा जो इंटेंशन ये था कि सबसे पहले ये गाड़ी ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटी में। इसका जो कलर्स है ना वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये क्रोम की जो फिनिशिंग इन्होंने दी है TVS वालों ने, ये भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और गाड़ी जो दिखने में है ना वो थोड़ी बल्की लगती है, थोड़ा इसका जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी बड़ा है, कलर्स भी इसका अच्छा है, स्पेस में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी है इस गाड़ी के अंदर में। सो इसके लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी और थोड़ी दमदार भी है, मजबूत गाड़ी है, इसके लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी। सो इसके और भी कुछ इम्प्रेसिव फीचर्स है जो मुझे अच्छे लगे, जिसके वजह से मैंने ये गाड़ी खरीदी है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इम्प्रेसिव फीचर्स है। इसका जो टैंक है ना पेट्रोल का, वो इन्होंने आगे दिया है कि आपको अगर आप पेट्रोल भरा रहे तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली आपको राइट साइड में प्रेस करना है तो ये टैंक खुल जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है यार पेट्रोल का टैंक आगे दिया, ये भी मुझे अच्छा लगा। और दूसरा मतलब है ना कि इसमें जो इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दिया है कि आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो चार्जिंग लगाओ, यहाँ पे मोबाइल रख दो, सो कोई टेंशन नहीं, आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसका जो मीटर है ना वो डिजिटल है, सेमी डिजिटल है, पर काफ़ी अच्छा फीचर्स लगता है। रात को हम गाड़ी चलाते हैं ना तो काफ़ी पूरा ये कलरफुल लगता है, तो वो भी एक मुझे चीज़ अच्छी लगी यार। ये तो पूरा कार जैसा फीचर दिया हुआ है, कार में ऐसी सारी चीज़ें आती है। अभी फिलहाल इसका मीटर बंद है, इसके लिए पूरा फीचर्स दिख नहीं रहे, पर जब मीटर चालू हो जाएगा ना तो हमको सब चीज़ दिखेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी चीज़, हम इंडियंस को ना स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है कि भाई जैसे कि यहाँ पे हमको और सिलेंडर रखना होता है तो सिलेंडर भी इधर आराम से आ जाता है, स्पेस काफी बड़ा है इधर, सिलेंडर आ जाता है यहाँ पे। हाँ सिलेंडर मैंने देखा, मैं गाड़ी खरीदने से पहले इसका माप लेके गया था। सही है। दूसरी चीज, इसका बूट स्पेस है ना वो काफी बड़ा है। अरे यार ये तो आप बढ़िया, दो हेलमेट यहाँ पे आराम से रख सकते हो, अगर हेलमेट नहीं रखना है तो सामान भी पूरा आ जाएगा। सो ये भी इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बूट स्पेस काफ़ी इसका बड़ा है, ये भी फीचर्स एक काफ़ी कमाल का है जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बाकी ये जो बॉडी है ये पूरा स्टील का है, ये स्टील का है, ये भी स्टील का है, इसका जो मड़गट है वो भी स्टील का दिया हुआ है, ये खाली फाइबर का है, पर गाड़ी मजबूत है, अच्छी है। तो इसकी जो DRL लाइट है, इसको ना DRL लाइट दिया इन लोग ने, वो भी काफ़ी अच्छा है, क्रोम का इनको फिनिशिंग दिया हुआ है। और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि ये जो व्हील्स दिए है ना, ये डायमंड कट में दिए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डिस्क वाला मैंने वेरिएंट लिया है, यहाँ पे डिस्क दिया हुआ है। ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ब्रेक लगाओ जगह पे गाड़ी रुक जाती है, तो ये भी TVS ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब गाड़ियों का भी मैंने देखा, पर मुझे उतनी अच्छी मज़ा नहीं आया, फील नहीं आया उसमें। सो इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे है, 15 दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे गाड़ी चला के। चलिए ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चली एक्चुअली में, और इसका हम टेस्ट भी ले गए, लेकिन और भी दो तीन डाउट्स जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा जो दूसरा सवाल है संदीप, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस स्कूटी के अलावा क्या क्या ऑप्शंस थे रखे हुए? इस स्कूटी के अलावा और भी, मतलब ऐसे हमारे दिमाग में आता है ना कि ये भी, ये एक स्कूटी ऑप्शन में रखते, ये एक रखते, फिर हम फाइनली फिर एक डिसाइड करते कि ये लेना है। वैसे क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी इसके अंदर, मतलब ऑप्शंस में, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने ऑप्शंस में एक मैस्ट्रो का रखा था, मैस्ट्रो 125, मैस्ट्रो क्यों भाई? क्योंकि तेरे पास मैस्ट्रो थी तो बहुत दिन से तेरे साथ घूमता हूँ, तो मुझे पता है कि तेरी मैस्ट्रो कैसी है, तो वो मुझे अच्छी अच्छा, लगी थी। बढ़िया सो बढ़िया। मैस्ट्रो एक मैंने ऑप्शन में रखी थी, एक्टिवा को भी रखा था मैंने ऑप्शन में, पर एक्चुअल में जब मैं मैस्ट्रो देखने शोरूम में गया, शोरूम में जाने के बाद मैंने गाड़ी देखा तो उन्होंने गाड़ी बहुत आउटसाइड में रखी हुई थी, और जब मैंने उन्हें पूछा कि अरे यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे उन्होंने एक आउटडेटेड स्टॉक दे दिया, पुरानी गाड़ी दे दी, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, और उसकी जो बॉडी थी ना गाड़ी की, वो फाइबर की थी। फाइबर की गाड़ी थी, और इम्प्रूवमेंट कुछ किया नहीं था उन लोग में, जो अभी की 125, और उसके प्राइस भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी, उन्होंने 1,10,000 का मुझे प्राइस बोला, और गाड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था गाड़ी के अंदर। मुझे वो गाड़ी इतनी पसंद नहीं आई। उसके बाद में फिर मैंने एक्टिवा को भी देखा, एक्टिवा गाड़ी अभी इंडिया की नंबर 1 सेलिंग गाड़ी है, बहुत लोगों को एक्टिवा पसंद भी आती है, पर एक्चुअल में जब मैंने एक्टिवा, मैं मेरा बता रहा हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस लगा, मैंने जब एक्टिवा देखा तो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि एक्टिवा दिखने में इससे थोड़ी छोटी भी मुझे लगी थी, और इसमें कुछ फीचर्स अपग्रेड नहीं किए थे उन्होंने, ये भी मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी नहीं। एक्टिवा एक्टिवा ही लेना था मुझे, पर वो भी मुझे लगा नहीं। जब ये गाड़ी मैंने देखा ना, तो मुझे लगा हाँ यार यही गाड़ी अपने को लेनी चाहिए। तो मैं तो समझ गया ये बात कि तुमने मेस्ट्रो वाली चीज़ भी रखी थी, क्योंकि मेरी मेस्ट्रो अच्छी चलती है, पर मेरी मेस्ट्रो इतना एवरेज नहीं देती है, मैं सच्ची बताऊँ तो। मेरी पहली गाड़ी थी इसलिए मैंने उसको सेल नहीं की, मैंने उसको रिपेंट भी कराया। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो आते हैं फिर से संदीप के तरफ, कि संदीप ने पहले मेस्ट्रो को रखा था ऑप्शन में, फिर एक्टिवा को रखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों नहीं ऑप्शन में था? इलेक्ट्रिक स्कूटी भी थी ऑप्शन में, जैसे कि आज के डेट में काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी के तरफ बढ़ रहे हैं, तो संदीप तूने इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों नहीं ली? तो गुड्डू मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी ऑप्शन में रखी हुई थी, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने भी गया था, मैंने दो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो दोनों मैंने देखी। तो मुझे एक्चुअल में क्या है ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि भाई गाड़ी 80 to 100 किलोमीटर ही चलने वाली है। मतलब 80 किलोमीटर चलेगी, यानी कि आप 40 किलोमीटर जाओगे और 40 किलोमीटर आओगे, बाई चांस रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, कौन देगा आपको इलेक्ट्रिसिटी, पावर कहाँ से आपको मिलेगी? इसके वजह से मैंने फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बाइक पे, कट कर दे इसका। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ नहीं गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी का मेंटेनेंस भी अपने को कुछ पता नहीं है, और उसकी सर्विसिंग कहाँ होती है इसका भी कुछ इतना प्रॉपरली नॉलेज नहीं था। दो तीन मेरे गैरेज वाले फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे गाड़ी लेनी है तो तू पेट्रोल ही गाड़ी ले ले, और इलेक्ट्रिक जो बाइक्स है ना वो एक्चुअल में कैसे है, लोकल में आप चला रहे हो 10-15 किलोमीटर आपका दिन का रूटीन है, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आपको अगर दूर तक जाना है, आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपको जाना है और बेफिक्र होके जाना है, तो मुझे लगता है कि आपको पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके लिए मैंने फिर वो पेट्रोल का गाड़ी वाला पेट्रोल वाला गाड़ी ले लिया, और इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंने फिर कम्प्लीटली अवॉइड ही कर दिया। सही कहा आपने कि इलेक्ट्रिक स्कूटी सच में वर्थ इट नहीं है फिलहाल, ऐसा मुझे भी लगता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है कि लोकल जो मैकेनिक है वो उसको बना नहीं पाते, लोकल मैकेनिक हाथ उठा लेते हैं उस स्कूटी के लिए। ये स्कूटी ऐसी है कि हम कहीं पर भी गए तो इसको बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ, कि ये स्कूटी कितने में पड़ी? सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क वगैरह मिला के ये स्कूटी फाइनली कितने पैसे में हमारे हाथ में आई है, ये जानते हैं संदीप से, कि संदीप ने कितना पैसा दिया है, पूरा कैश में पेमेंट किया है कि इसने EMI पे लिया है, ये सारी चीज़ें जानते हैं।
तो संदीप बताइए कि किस तरीके से आपने स्कूटी को लिया है और कितने में लिया है। तो गुड्डू इसका जो प्राइस है, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,10,000 है। सो मुझे 1,000 का उन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो मुझे ये 1,09,000 में पड़ी है। सो मैंने इसको पूरी कैश में नहीं लिया है, मैंने 50,000 इसका जो है वो मैंने पेमेंट कर दिया है, और 60,000 का मैंने लोन किया है, मतलब 59,000 का लोन किया है। सो मुझे 18 महीने का मैंने लोन किया है, और 3,400 के करीब मुझे इसका इंटरेस्ट आ रहा है। सो ईएमआई आ रहा है ई एम आई सर। आ रहा है इसका, ओके तो काफ़ी अच्छी डील है मेरे लिए ये। और बस यही इसका प्राइसिंग है, और डॉक्यूमेंटेशन में मुझे पैन कार्ड आधार कार्ड उन्होंने लिया, और पासिंग के लिए उन्होंने मुझसे वोटर आईडी लिया था, जो गाड़ी भी अभी पासिंग हो गई है। सो थोड़े दिन में इसका नंबर प्लेट भी आ जाएगा। तो अच्छी डील थी, मुझे अच्छी लगी, गाड़ी भी मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल अगर आप भी सोच रहे हो गाड़ी लेने की अच्छी, तो मुझे लगता है कि आपको यही गाड़ी लेनी चाहिए। अच्छी गाड़ी है हम लोग के लिए, बहुत हम लोग मिडिल क्लास बहुत सोच समझ के गाड़ी लेते हैं, तो बहुत अच्छी गाड़ी है, रफ टफ गाड़ी है, दूर भी लेके जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका, नो इशू। तो 18 महीने का ईएमआई, मतलब बस 18 ही महीने का ईएमआई। हाँ 18 महीने का ही कर अठारह दिया मैंने। महीने यार, 18 महीने यार इनफ है। 18 महीने तो ऐसे यू गुजर जाते हैं ईएमआई के, पता नहीं चलता। एक्चुअली होम लोन काफी बड़े रहते हैं, बाइक्स के लोन इतने महंगे नहीं रहते। 18 महीने ठीक है, 3,400 के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर आपकी सैलरी 10,000 या 15,000 भी है तो भी आप ये स्कूटी अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि स्कूटी लेने के पीछे रीज़न ये रहता है ना कि हम लोग काफ़ी सारा सामान भी इस पे आ जाता है, और हमारे फैमिली में भी सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बाइक लेते हैं तो बाइक भाई एक ही बंदा चला सकता है जिसको आती है। हम लोगों को बाइक नहीं आती है, सच्ची बता रहा हूँ एकदम दिल से। बाइक अभी तक आती नहीं है चलाने, कार आती है पर बाइक नहीं आती है चलाने। तो स्कूटी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि घर में कोई और भी चला सकता है। इन फ्यूचर वाइफ भी आएगी तो वो भी चला सकती है, घर के कोई मेंबर्स है, सिस्टर है, मदर है, वो लोग भी, सारे लोग चला सकते हैं। तो स्कूटी लेना बेटर ऑप्शन लगता है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए। तो फिर चलिए, फिर अभी हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जानते हैं कि स्कूटी कितनी ज़्यादा अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है कि नहीं चलती है। क्योंकि मेस्ट्रो चलाता हूँ तो पता है कि कैसी चलती है, पता करते जुपिटर कैसी चलती है। तो चलिए फिर टेस्ट लेते हैं फटाफट इसका। तो इसका टेस्ट ड्राइव लेने से पहला दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें, और काफ़ी सारी, मतलब संदीप ने तो सारी चीज़ें बताई पर कुछ चीज़ें छूटी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पेट्रोल का टंकी है ना, वो पीछे की तरफ नहीं है, वो पेट्रोल का टंकी जो है ना यहाँ नीचे की तरफ है। और पेट्रोल का टंकी काफ़ी सेफ है यहाँ पे, इसके नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लेयर्स दिए हुए पेट्रोल के टंकी के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स है, ताकि नीचे से अगर कोई पत्थर वगैरह भी इसको ठोके तो कोई नुकसान ना हो पेट्रोल के टंकी को। ये इसका फीचर है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत, पहले इसको डबल स्टैंड से हटाते हैं। अभी ये गाड़ी मैंने स्टार्ट स्टार्ट में करता हूँ गाड़ी को, ओके। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और सच्ची बता रहा हूँ गाड़ी इतनी ज़्यादा मक्खन जैसी स्टार्ट हुई है ना कि पता ही नहीं चला है मेरे को, इतना स्मूथली स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको। एक्चुअली इसमें एक सबसे अच्छा फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी स्टैंड पे है तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी, और एक अलग सा ब्लिंक साउंड देगी ऐसा है। और आपने गाड़ी स्टार्ट करके रखी और आप स्टैंड पे लगा देते तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम गाड़ी को स्टैंड पे लगा के भूल जाते हैं। और इसमें खासियत है कि स्टैंड पे लगाओगे तो गाड़ी ही नहीं चालू होगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी स्टैंड पे है। तो चलिए फिर अभी इसका हम एक टेस्ट लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से चालू हुई है स्कूटी, मतलब ऐसे पता नहीं चलता है कि मेरी जो मेस्ट्रो है वो काफ़ी धड़ल्ले से चालू होती है, एकदम स्मूथली चालू होती है। और आप इसमें देखोगे इको मोड दिया है और एक पावर मोड भी दिया है, तो चलिए देखते हैं इको मोड और पावर मोड कैसे काम करता है। तो अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर देते हैं इसका पावर मोड चालू हो जाता है, और जब आप स्लो करते हैं तो इसका इको मोड चालू हो जाता है।
बहुत मजा आ रहा है, मजा आया मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो इसका अगर मैं इसको रिव्यू, अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो कितना रेटिंग दे सकता हूँ? वैसे रेटिंग देने वाले हम कोई होते नहीं है, पर मैं फ्रैंकली बताऊँ तो स्कूटी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है सच्ची में। और संदीप से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत अच्छी चॉइस की है, बहुत अच्छा चीज़ लिया हुआ है। और होप्स हो कि आपकी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी चले और बहुत अच्छा है, स्मूथ है। इसका स्टार्ट करने पर भी बहुत अच्छा साउंड करता है ये, और चलाने पर जब पावर मोड ऑन करते हैं तो बहुत भागती है। जैसे हम स्लो करते हैं तो उतना रेंज पकड़ के रखती है गाड़ी, और आराम से धीरे 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 स्लो होती है, एकदम से स्लो नहीं हो जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्कूटी। और बस संदीप से ये कहूँगा कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छी स्कूटी है। बस फिर ख़त्म करते हैं फिर इस वीडियो को। हाँ जी, तो काफ़ी मज़ा आया मेरे को ये जो वीडियो है बनाने के लिए और इस स्कूटी का रिव्यू देने के लिए। और थैंक्स टू संदीप की, इसने बहुत अच्छी स्कूटी ली और हमको एक और वीडियो मिल गया बनाने के लिए। तो फिर चलिए फिर एक्चुअली एक बात बोला था, जुपिटर लेने से पहले इसने मुझे सजेशन दिया था कि तू जुपिटर ले, क्या पता इसके फ्रेंड ने किसी ने इसको बोला होगा। नहीं, इसके माइंड में भी पहले एक्चुअली जुपिटर ही थी, इसने मुझे जुपिटर ही बोला था। मैंने इसको जुपिटर ही बोला था, पर ये ज़्यादातर एक्टिवा की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरे मामा के पास भी एक जुपिटर क्लासिक है। वो इतनी खास नहीं लगती है, तो मुझे इसको ऐसा लगा कि मैं शायद जुपिटर क्लासिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में इसने सारा सर्च वगैरह किया इंटरनेट पर, तब इसके समझ में आया कि जुपिटर 125 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर चलिए फिर इस वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जल्द से जल्द हमको कमेंट मारे दबा के, कमेंट करें, जल्द से जल्द हमको सब्सक्राइब करें। हमको ग्रो करना है जल्द से जल्दी, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो और ज़्यादा काम करने के लिए अच्छा लगता है। और जी, हमारा जो इंस्टाग्राम है, अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम काफ़ी सारे चीज़ें, मतलब वीडियोस हम जब आने वाली रहती है वहाँ पे अपडेट्स हम डालते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी हमारे कमेंट में कर सकते हैं, या हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और बस फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, और अपने आसपास के नेचर और जानवरों का भी ख्याल रखें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।